देश और प्रदेश में सर्दी चरम पर है और मकर संक्रांति का त्योहार है। ऐसे में खस्ता और मीठी गचक का स्वाद मानो और बढ़ जाता है। मुरैना की तो पहचान ही गजक से है। दुनिया भर में मुरैना को गजक के लिए जाना जाता है। गजक के शौकीनों के अनुसार मुरैना की गजक की बात ही कुछ अलग है। दरअसल गजक की उत्पत्ति ही मुरैना से हुई है। तिल और गुड़ शक्कर से बने इस लजीज मिष्ठान ने मुरैना को दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दिया है। सबसे खास बात तो ये है कि मुरैना के नाम से केवल मुरैना में ही गजक बेची जा सकती है और किसी शहर में नहीं। मुरैना की गजक की ऐसी डिमांड है कि देश भर में दुकानदार मुरैना गजक के नाम से ही गजक को आसानी से बेच देते हैं। ठंड का मौसम शुरू होते ही जिले से देश भर के लिए गजक की सप्लाई प्रारंभ हो जाती है। व्यापारियों के अनुसार सर्दी के दिनों में इम्यूनिटी बढ़ाकर तंदुरुस्त रखने वाली गजक का कारोबार इस बार कम है। देश के महानगरों के अलावा विदेशों तक मुरैना की गजक जाती थी। मुरैना की गजक की तासीर सिर्फ चंबल का पानी है। गजक तो देश और प्रदेश में कई जगह बनाई जाती है और मुरैना के नाम से बेची जाती है, लेकिन मुरैना के पानी में जो मिठास है वो अलग ही है। इस कारण मुरैना जैसी गजक देश और प्रदेश में कहीं नहीं मिलती। मुरैना में कई सालों से गजक बन रही है और इसी कारण यहाँ बनने वाली गजक के शौकीन न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी खूब है। इसलिए मुरैना की गजक दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, सूरत, अहमदाबाद जैसे देशों के कई बड़े महानगरों के अलावा सात समंदर पार इंग्लैंड, अमेरिका तक जाती है। कस्टमरों का काफी डिमांड है कि भैया गजक तो परचेज करनी है क्योंकि तिल का मेन तो आ रही। मुरैना में कम से कम 100 से 150 मैन्युफैक्चरर्स हैं और ऑल ओवर इंडिया गजक सप्लाई होती है और बाकी अब तो बड़े बड़े शहरों में सब जगह मुरैना से कारीगर पहुंचने लगे हैं तो लोग वहां गजक खुद बनाते हैं, लेकिन जो मुरैना जैसा टेस्ट है वो आपको पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी नहीं मिल सकता, क्योंकि मुरैना के जो पानी में तासीर है, मुरैना की जो तिली की जो क्वालिटी है, गुड़ की जो क्वालिटी है, वो आपको कहीं भी नहीं मिल सकती। GI टैग से नुकसान कुछ भी नहीं है, GI टैग से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो ग्वालियर, आगरा, दिल्ली, चंडीगढ़, भोपाल में जो मुरैना की गजक का नाम लेके जो गजक बेची जा रही है, इस टैग को मिलने के बाद शायद वो गजक आगे वो नहीं बेच पाएंगे, उनको पहले मुरैना से ही गजक परचेज करनी पड़ेगी उनको। और ये टैग मिलने से बेनिफिट ये है कि आगे चल के जो मुरैना में मैन्युफैक्चरर्स और मैन्युफैक्चरर्स यूनिट बढ़ जाएंगी, अगर प्रशासन इसमें सहयोग करेगा कि बाहर जो लोग गजक बेच रहे हैं मुरैना के नाम से, अगर उस पर अंकुश लगाएंगे तो फिर मुरैना के मैन्युफैक्चरर्स को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। वहीं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप सिंह तोमर ने बताया कि गजक बनाने में लगने वाले खाद्य पदार्थ जिसमें गुड़ और तिल हैं, ये बहुत ही उत्तम क्वालिटी के खाद्य पदार्थ माने जाते हैं। इसमें विटामिन और आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है और मुरैना की गजक विश्व प्रसिद्ध होती जा रही है। वहीं मिठाइयों से लोगों का विश्वास मिलावट के कारण कम होता जा रहा है और जो गजक है उसमें मिलावट नहीं होती, इसलिए ये लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। वहीं डायबिटीज के जो पेशेंट हैं जो मिठाई खाने से बचते हैं, लेकिन ये गुड़ गजक और तिल से बनाई जाती है तो मिठाई से कम नुकसानदायक है। तो वहीं गजक में प्रयोग होने वाले गुड़ के कारण ये सर्दियों में ज्यादा विक्रय होती है क्योंकि गुड़ से एनर्जी मिलती है। जैसा कि आपने कहा कि ये गुड़ है और तिल दो बहुत ही उत्तम क्वालिटी के खाद्य पदार्थ माने जाते हैं, क्योंकि चाहे विटामिन की बात करें या विभिन्न जो आयरन की जो सबसे ज़्यादा बात होती है वो गुड़ में पाई जाती है और वो सबसे ज़रूरी होता है, चाहे हमारे बच्चे हों चाहे महिलाएं हों, आयरन की इसी की कमी होती जा रही है तो ये पोषण की दृष्टि से भी बहुत उपयुक्त है। इसी तरह से तिल की बात करें तो तिल भी हमारे स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभदायक होती है। इसमें विटामिन ई जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए या जैसे हम पुरुष या महिलाओं की बात करें बालों के लिए बहुत ही अच्छे माना जाता है, तिल का जो तेल होता है इसकी ये गुणवत्ता होती है। और एक तरह से हमारे बुजुर्ग और अध्यात्म या आयुर्वेद में भी एक तरह से तिल का जो तेल है उसको घी की दर्जा दिया गया है, एक तरह से गरीबों का इसको घी भी कहा जाता है इसके तेल को। अब बात हम इससे बनने वाले उत्पाद की करें तो गजक है, गजक के लिए हमारा मुरैना जिला है बहुत ही प्रसिद्ध है, पूरे देश में जाना जाता है। वैसे तो ग्वालियर में मुरैना की गैर शक्कर की गजक काफी प्रसिद्ध है, लेकिन अब अंचल में कई वैरायटी की गजक भी बनाई जा रही है जिसमें सादा गुड़ और तिल की गजक, गजक की पट्टी, मूंगफली वाली गजक, तिलकुट गुड़, खस्ता गजक, ड्राई फ्रूट रोल गजक, ड्राई फ्रूट गजक, काजू गजक, गुड़ पट्टी और गजक के समोसे सहित विभिन्न प्रकार के गजक उपलब्ध है।
दुकानदारों ने बताया कि मकर संक्रांति पर लोग गजक के साथ गुड़ के लड्डू को भी खासा पसंद कर रहे हैं। वो पार्सल करवा कर अपने रिश्तेदारों को भेज रहे हैं। साथ ही दुकानदार का कहना है कि इस समय उनके पास 56 तरह की गजक बनाई जा रही है। इस मकर संक्रांति के त्योहार पर लोग भारी संख्या में गजक अपने घर ले जाते हैं और फिर पार्सल करवा कर अपने दूर के रिश्तेदारों को भेजते हैं।